सर दर्श कराना मेरे, राम राम। मैं दादा मोदी जी के कहने पर मेरे दादा का इंटरव्यू ले रहा हूँ। अरे दादा जी, आपका जन्म कहाँ और कब हुआ? मेरा जन्म मेरे गांव जलालपुर कला, जिसको छानबी कहते हैं, वहाँ पर 1950 में हुआ था। मिट्टी के गांव के तालाब में से मिट्टी ला करके मिट्टी के खेल बना करके उनसे खेलते थे। अपनी पढ़ाई के बारे में जो है नी, मैं जो है नी शुरू से ही जो है नी पूरा मन लगा के पढ़ता था। मैं अपनी किताबों को साफ सुथरा रखता था, जो काम बताते थे अध्यापक उस काम को पूरी तरह से लेकर के आता था। और मैं आपको बताऊँ बेटे, आपको बताता हूँ, धन से पुस्तक मिल जाती है किंतु ज्ञान नहीं मिलता, धन से सुख मिल जाता है किंतु आनंद नहीं मिलता, धन से भोजन मिल जाता है किंतु भूख नहीं मिलती, धन से एकांत मिल जाता है और शांति नहीं मिलती, धन से आभूषण मिलते हैं किंतु रूप नहीं मिलता, धन से साथी मिलते हैं किंतु सच्चे मित्र नहीं मिलते, धन से दवाई मिल जाती है किंतु श्वास नहीं मिलता, धन से बिस्तर मिल जाते हैं किंतु नींद नहीं मिलती। बचपन बढ़िया बीता मेरे बचपन में। उस टाइम पर हम बचपन में छोटे छोटे गाने गाते थे, आजकल वो गाने नहीं है। ऐसा गाना था जैसे आजकल आपने सुना नहीं होगा, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरा तन का गया करार रे, कौन बजाए बांसरिया। ऐसे गाने गाते थे जो आजकल नहीं गाए हैं। आप अपने 70 साल की उम्र में क्या कर रहे हो? मैं इस उम्र के अंदर जो है ना सवेरे जो है 5 बजे उठता हूँ, सवेरे 5 बजे उठ करके पानी पीता हूँ, परमात्मा का नाम लेता हूँ, घूम कर जाता हूँ। घूमने के बाद में जो है नी मैं जो है नी फिर उसके बाद में जो है नी फिर अपना 70 साल की उम्र में योगा करता हूँ, और उसके बाद में हल्का फल्का नाश्ता लेकर के फिर मैं दिनचर्या में नहाता हूँ, उसके बाद में और छोटे मोटे काम भी करता हूँ। मेरा बचपन से ही आपके प्रसाद आपका लिखने का शौक था, मेरा बचपन से ही लिखने का शौक रहा है। बचपन से ही मैं कुछ न कुछ कविता चुटकुले कहानियाँ लिखते रहता, स्कूल के टाइम पर भी मेरी आदत थी। मैं हमेशा अपनी क्लास में मॉनिटर रहा हूँ, कभी भी मैं पढ़ाई में कमज़ोर नहीं रहा, मैं अध्यापकों के प्रति मेरी पूरी श्रद्धा रही। और मैं शुरू से लिखने का शौक था, मैंने सबसे पहले मेरे गाँव जलालपुर कला की कहानी लिखी, क्योंकि आजकल का युग है ना, उसमें बच्चे जो है अपनी पीढ़ियाँ याद रखते हैं। मैं जब गाँव में जाता था नहीं पूछता था आपका क्या नाम है, ये आपके पिताजी का नाम, ये आपके दादाजी का नाम पता है। अब मैंने फिर खोज करनी शुरू की, भाई पीढ़ियाँ ढूंढो, तो मैंने मेरे गांव जलालपुर कला जिसको खान छान के उसके ऊपर किताब लिखी, उसके अंदर पूरे गाँव के 10 जातियाँ हैं उनके ऊपर लिखे। उसके बाद फिर मैंने एक हमारा जागरण गोत्र है उसका इतिहास लिखा, 100 गाँव में घूम करके और वो लिखा। उसके बाद मैंने एक किताब लिखी नौगांव में खाप का इतिहास, और ये तीनों किताबों का मैंने विमोचन यहाँ छोट राम जयंती के ऊपर। मैं आर्य समाज से शुरू से जुड़े हुए थे, 5वीं क्लास से मैं वैदिक संध्या करता हूँ, और गायत्री मंत्र को मैं बहुत बड़ा मंत्र मानता हूँ। गायत्री मंत्र पढ़ने से आपके अंदर सारी ताकत आ जाती है, गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है कि जो आपके अंदर कितना भी कुछ कष्ट हो आप गायत्री मंत्र का 7 बार जाप करो और उसके बाद पेपर शुरू करोगे तो आपका पेपर 100% सही बढ़ेगा। तो आप परमात्मा विश्वास के ओम ओम शब्द का बहुत बड़ा ओम प्रेगा जी ओम ओम के शब्द के जो है 100 जवाब 100 उत्तर हैं इसके, ओम के 100 नाम बनता ओ ई एम ओम, तो बहुत बड़ा ओम का जो ओम का नाम बहुत बड़ा व्यापक है, बहुत बड़ा ओम। और बताओ क्या पूछना था? आप अपनी नौकरी के बारे में बताएं। मैंने नौकरी 1972 में एक्साइज एंड टैक्सेशन में नौकरी में लग गया था, और मैं कभी भी अपनी ड्यूटी पर कभी भी लेट नहीं गया, अपनी ड्यूटी के प्रति मैं पूरा वफादार रहा हूँ, कभी भी मैं लेट नहीं गया, टाइम पर गया, टाइम पर भी आया, ना ही मेरी कभी कोई जवाब तलबी हुई, ना मेरी कभी कोई तनख्वाह कटी। और मैं पूरा अपने यार दोस्तों से मित्रों से सिर्फ काम की बातें करता था, फजूल फालतू बातें नहीं करता, और ना मेरे अंदर कोई आदमी था। मैं बचपन से ना बीड़ी पीता था, ना सिगरेट पीता था, ना झूठ बोलता था, मेरे अंदर ये आदत थी। माँ बाप से बड़ा कोई देवी देवता नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई देवता नहीं है, अपना बाप ही सबसे बड़ा देवी देवता है। सुबह उठ के गाय को रोटी देता हूँ, गाय को रोटी देना जो है नी बहुत बढ़िया पुण्य है, गाय को रोटी देना, किसी की बुराई मत करो, किसी के खिलाफ मत बोलो, किसी का वो किसी के बारे में भी कोई गलत मत बोलो, ठीक है ना।
तो पिता की आँखों में होता फर्ज, माता की आँखों में होता है ममता, और भाई की आँखों में होता प्यार, और बहन की आँखों में होता स्नेह, और अमीर की हाथों में होता घमंड, और गरीब की हाथों में होता है अत्याशा, और मित्र के आँखों में होता सहयोग, और दुश्मन की आँखों में होता बदला, और सज्जन की आँखों में होता है दया, और शिष्य की आँखों में होता आदर, और गुरु की आँखों में होता है सद्भावना। अब इन अब ये जो है ना, ये सारी बातें जो थी ये बचपन से ही, बचपन से मैंने लिखने का काफ़ी शौक रहा है, डायरी में लिखता रहता था। कभी भी मैंने कभी भी घर वालों से जितने पैसे लेकर गया हूँ वो पैसों का सदुपयोग किया है, कभी भी उन पैसों में से मैंने कभी भी। अब कई लोग कहते हैं भूखे से भूखे ने कहा मिल जाए, दोपहरी में भैंस खोई हुई मिल जाए, भांग के नशे में गणे लाडू खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, अषाढ़ में समय में बारिश होने का, और महेंद्र ने दूध काट देने दाल लेने का स्वाद ही नहीं आ रहा है, दाल लेने से अलग ही नहीं आ रहा है। मैं जो था ना बचपन से दाल निकालता, दादा मेरे को घोटे बैठा लेता जब मैं 4 साल का था, तो वो मेरे को ऐसे दाल देता था, फिर आस्ते आस्ते मेरी प्रैक्टिस होगी, एक भैंस का दूध जो है मुँह में ले लेता था, जैसे कटरू चूंघता है, अगर आधा है दूध को पूरे दूध को चूंघ देता, तब भी गांव में बात चलाते हैं कि वो जो है नी महेंद्र जो है नी आज भी अब बात चलाते हैं कि मुँह में थल लेके भैंस का सारा ऐसे चूस जाता जैसे माँ की दूध लेते हैं, ऐसे चूस जाता था सारा दूध। और क्या सवाल पूछना मेरे दादाजी और सबको मेरे राम राम।